नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनलर्निंग पाठशाला पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम कवर करेंगे स्क्वायर रूट, और आप सबको पता है कि स्क्वायर रूट जो है कितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। डायरेक्टली तो नहीं पूछा जाता, लेकिन इनडायरेक्टली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्क्वायर रूट कदम कदम पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस पर जितनी अच्छी आप कमांड बनाएंगे उतनी अच्छी आपकी कैलकुलेशन होती जाएगी। ठीक है, तो इसको हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पार्ट वन में हम कवर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर, और पार्ट टू में हम कवर करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लाल बटन को दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि इस तरह की आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम यहाँ पे अपना पहला एग्जाम्पल देखते हैं। हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे 4489 का। ठीक है, देखो सबसे पहले ध्यान देने वाली जो बात है, सबसे पहले हमें ये देखना है कि परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं। हमने यहाँ पे हेडिंग में लिखा है कि हम परफेक्ट स्क्वायर का रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट के अंदर जो ये नंबर है ये किसी एक नंबर का स्क्वायर होगा। ठीक है, किसी पॉइंट में नहीं आएगा, जिसका स्क्वायर रूट आएगा वो पॉइंट में नहीं आएगा, एक परफेक्ट नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको बोला परफेक्ट स्क्वायर। तो अब हम परफेक्ट स्क्वायर की पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब उसका अगर अंडर रूट निकालेंगे तो एक परफेक्ट नंबर आएगा। तो जो नंबर जिन नंबर्स के एंड में इनमें से कोई डिजिट आ रही हो, 1, 4, 5, 6, 9, 0, ठीक है, इन 6 डिजिट में से अगर कोई भी डिजिट नंबर के लास्ट में आ रही है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, मतलब उसका जो स्क्वायर निकलेगा वो परफेक्ट एक नंबर निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 9 आ रहा है तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो अब देखो इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें देखना है लास्ट डिजिट। अगर लास्ट डिजिट हमारी इनमें से कुछ होती है, 1 होती है, ठीक है, तो जो नंबर आएगा उस नंबर की जो वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगी वो 1 और 9 में से आएगी। ये चीज ध्यान रखनी है, टेबल आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर लास्ट डिजिट जो है हमारी अगर 4 होगी तो जो उसका नंबर का स्क्वायर रूट आएगा उसकी जो वंस डिजिट आएगी वो 2 और 8 में से आएगी। अगर 5 होगी लास्ट डिजिट तो हमारी जो वंस प्लेस पे जो डिजिट होगी उस नंबर की जिसका वो स्क्वायर है उसका वो होगी 5। ऐसे ही अगर 6 होगा लास्ट डिजिट में तो हमारे जो नंबर आएगा उसमें 4 और 6 आएगा। ठीक है, वंस प्लेस पे। और अगर इसी तरह से लास्ट डिजिट 9 है जैसे कि यहाँ पर इस केस में है, उस केस में हमारी जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट उसके वंस प्लेस पे 3 और 7 होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों हम इसको आगे करते हैं। हमें करना क्या है, सबसे पहला स्टेप होगा हमारा कि हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 1 मिनट, यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 4, 8, 9। ठीक है, तो अपना पहला स्टेप जो होगा यहाँ पर अपन लोगों का, तो वो होगा कि इसको हम दो स्टेप्स दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, दो पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड करना है कि यहाँ पर जो है हमेशा दो ही डिजिट रहनी चाहिए। हमारी जो यहाँ पर पीछे की जो डिजिट है दो ही रहनी चाहिए, उसके अलावा यहाँ पर जितनी मर्जी हो सकती है। मान लो ये नंबर 5 डिजिट का होता है इस तरह से, तो हम इसको ऐसे डिवाइड करते कि लास्ट में 2 डिजिट रहती, आगे 3, 4, 5 जितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, तो इतना समझ आता है हमको। तो इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर हमने देखा कि इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम आगे वाले पार्ट का जो है ना इसको देखेंगे किसके स्क्वायर के बीच में लाई करता है। तो इसके लिए आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको 1 to 25 स्क्वायर याद कर लेने चाहिए। अगर ये डायरेक्ट याद होंगे तो आप इनका डायरेक्ट यूज करोगे और आप अपना काफी टाइम बचा लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या करना है दोस्तों, सीधा सा स्टेप है, इस नंबर को देखना है, ये नंबर क्या है 44। हमें ये चेक करना है ये नंबर किसके स्क्वायर के बीच में आता है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 का होता है 49, तो 36 जो है 6 का स्क्वायर 36 जो है ये इससे लेस है, और 49 जो 7 का स्क्वायर है ये हमारा इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये 44 जो है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो लेस वाला नंबर होगा जिन दो स्क्वायर्स के बीच में वो आ रहा है उसमें से लेस वाला स्क्वायर जो होगा हम उसको यहाँ पे लिख देंगे 6 इस तरह से। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें देखना है कि जो ये पीछे हमने दो नंबर जो लिए यहाँ पर इनमें से लास्ट डिजिट क्या है 9 इसकी, और अगर हमारी लास्ट डिजिट 9 होती है तो हमारा वंस प्लेस पे या तो 3 आता है या फिर 7 आता है। तो यहाँ पर या तो 3 आएगा या फिर आएगा 7। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा या तो वो होगा 63 या फिर होगा आंसर हमारा 67। अब कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होती है कि हमारा आंसर 63 होगा या 67 होगा, हम ये कैसे पता करें। ठीक है, तो इसके लिए देखो हमें क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ,
इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, छोटा सा स्टेप हमें यहाँ पे फॉलो करना है, और उसके लिए देखो यहाँ पे सिक्स था, हमें यहाँ पे ये पता करना है 63 आंसर होगा 67, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर, आप करिए जो इसका 65 का स्क्वायर करिए, कोई भी नंबर आए हम जब भी हम आगे जो भी करेंगे उसमें भी यही होगा, जो दो नंबर में फंसेंगे हम, ठीक है, या तो आंसर ये होगा या ये होगा, एक पांच से नीचे वाला होगा, जैसे 65 है यहाँ पर, 65 से नीचे का आएगा, एक 67 से ऊपर का आएगा, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे नंबर जो है 1 और 9 इनके बीच में पांच आ रहा है, 2 और 8 इनके बीच में पांच आ रहा है, 4 और 6 इनके बीच में पांच आ रहा है, ठीक है, तो हम 5 से उनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 65 का स्क्वायर निकालेंगे, 65 का स्क्वायर निकाल के हम देखेंगे कि ये वाला नंबर जो है 65 के स्क्वायर से कम है या ज्यादा, अगर कम हुआ तो हमारा 63 आंसर हो जाएगा, अगर हमारा ज्यादा हुआ तो हमारा 67 आंसर हो जाएगा, सीधी सी बात है। अब आप कहेंगे कि 65 का स्क्वायर निकालूंगा मैं, इतना ज्यादा टाइम क्यों खराब करूं अपना, 65 का स्क्वायर निकालने में तो मेरे को दोबारा से इतना टाइम लग जाएगा, तो क्या फायदा हुआ इस मेथड का, देखो मेथड का फायदा है क्योंकि 65 का स्क्वायर निकालने में आपको टाइम ही नहीं लगेगा, दो सेकंड में आंसर लिखोगे आप इसका, 2 सेकंड में। देखो क्या करना है, मैं इसका पहले भी बता चुका हूँ आपको कि जिन भी नंबर के पीछे 5 होता है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना है आपको, सीधा यहाँ पर 5 है तो आपको लिखना है 5 का स्क्वायर 25, उसके आगे 6 है तो आपको 6 को इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देना है, 7 6 42, और ये आ गया 65 का स्क्वायर। आप ऐसे किसी भी नंबर का जिनके पीछे 5 आता है उनका स्क्वायर निकाल सकते हो, आपको 5 का स्क्वायर 25 लिखना है, और जो उसके 10th प्लेस पे डिजिट है उसको उसके एक नंबर बढ़ा के मल्टीप्लाई करके लिख देना है। अब यहाँ पे चेक करना है हमें 4225 जो है ये 4489 से बड़ा है, 4489 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। तो हमने देखा 4489 जो है इससे बड़ा है, ठीक है, इससे बड़ा है, तो हमारा आंसर जो है ये बड़ा वाला हो जाएगा, 67 जो है हमारा ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो बच्चों आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा अच्छे से, देखो ये मैं समझाया है तो मेरे को इतना टाइम लग गया, अब अगले क्वेश्चन को आप देखना कि आप यूं चुटकियों में कर लोगे, चुटकियों में, ठीक है, पता भी नहीं चलेगा आपको। तो इसका आंसर हो गया हमारा 67, ठीक है। तो दोस्तों हम यहाँ पे अपना दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखो दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या लिया, 5329। तो हमारा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप हमारा था कि इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, और ऐसे डिवाइड करना है कि पीछे हमारी दो ही डिजिट रहे हमेशा और आगे जितनी मर्जी हो सकती है, ठीक है। तो 5329 का हमें यहाँ पे निकालना है स्क्वायर रूट। अब देखो इसके पीछे क्या आ रहा है, 9, ठीक है, और हमने इतने पीछे भी देखा था कि जिसके पीछे 9 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, जिसके पीछे 9 आता है वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, मतलब इसका जो नंबर जो स्क्वायर रूट आएगा वो एक परफेक्ट नंबर आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखो इसको करते हैं, हमारा पहला स्टेप क्या था कि आगे की जो दो डिजिट है इनको हमें पता करना है कि किसके स्क्वायर के बीच में ये दो नंबर लाइक करता है। अब अगर हमको स्क्वायर याद है तो हम 2 मिनट में पता कर लेंगे, ठीक है, जैसे 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, जो इससे कम है, ठीक है, और अगर हम उसके बाद 8 का स्क्वायर निकालते हैं, 8 का स्क्वायर होता है 64, जो इससे ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये 53 नंबर जो है ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये हमारा 8 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में लाई कर रहा है, तो हमें यहाँ पे छोटा वाला नंबर लेना होता है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लेंगे 7, ठीक है, इसका अंडर रूट निकाल दें, ध्यान रखना 7। अब आते हैं हम अपने पीछे वाले नंबर पे, और हमें पता है कि अगर हमारी लास्ट डिजिट 9 है तो इस केस में हमारी जो यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आती है वो 3 और 7 में आती है, इस टेबल को देखो, ठीक है, इस टेबल से हमें पता चल गया कि हमारी जो लास्ट जो पीछे की जो डिजिट आएगी यहाँ पर वो या तो 3 आएगी, या तो यहाँ पे 3 आएगी या फिर 7 आएगी, तो 3 और 7। अब डिसाइड करना, अब हमारे पास दो आंसर आ गया, या तो हमारा आंसर होगा 73 या फिर आंसर होगा 77। अब कैसे पता करेंगे कि ये वाला आंसर है या ये वाला आंसर है, ठीक है, बहुत सिंपल सा मेथड है जो मैंने आपको बताया, हमको पता है 75 इन दोनों के बीच में आता है, तो आप निकाल लो 75 का स्क्वायर, और 75 का स्क्वायर निकालना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, और यह आंसर 75 का स्क्वायर आपके हाथ में आ जाएगा। इसको अपने कॉन्वेंशनल मेथड से मत करने लग जाना कि 75 को 70 से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर हमारा ट्रिक सीखने का कोई मतलब नहीं हुआ वैदिक मैथ का, अगर आप इसको कॉन्वेंशनल मेथड से कर रहे हो, ठीक है, तो आपको कॉन्वेंशनल मेथड से नहीं करना है। मैंने मेथड बताया है कि किसी भी नंबर के पीछे अगर 5 आता है तो उसका 2 सेकंड में आंसर कैसे लिखना है स्क्वायर का, आपको 5 का स्क्वायर लिख देना 25, और उसके आगे वाले नंबर को उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दो, तो 7 का नेक्स्ट नंबर क्या हुआ 8, 8 7 जा 56, तो ये हो गया 56।
अब क्या करना है, अब हमें बस कंपेयर करना है, हमें देखना है 5329 जो है 5625 से ज्यादा है या कम। हमने देखा 5329 जो है ये तो कम है, तो कम है तो हमारा आंसर कम वाला हो गया 73। ठीक है, तो 73 आंसर हो गया। देखो यहाँ पे आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको सीधा सीधा यहाँ पे दिखेगा, ये निकालोगे 5625 आप देखोगे 5329 से छोटा है, तो आंसर 73 टिक मारोगे, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपना अगला एग्जांपल लेते हैं, हम यहाँ पे निकालेंगे 4096 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमने जो अभी सीखा वही करेंगे, पहले 4096 को हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर हम देखेंगे 40 जो है किसके बीच में लाई करता है। ठीक है, तो हमें पता है 40 जो है 6 के स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच में लाई करेगा 40, क्योंकि 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36 और ये होता है हमारा 49। ठीक है, तो हमें यहाँ पे छोटा वाला लिखना होता है जैसा हमने देखा अभी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 6। अब बाद का देखेंगे हम, बाद की जो डिजिट है उसमें वंस प्लेस पे क्या डिजिट है 6, और जब हमारा 6 होता है तो लास्ट की डिजिट जो होती है वो हमारी क्या होती है, या तो 4 होती है या फिर 6 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर या तो 64 हो जाएगा या फिर 66 हो जाएगा। अब देखना यह है, डिस्टर्ब जो कन्फ्यूजन आती है वो यहाँ पर आएगी कि इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए 64 या 66। तो उसका रीजन मैं आपको तरीका बता चुका हूँ कैसे चेक करना है, आपको यहाँ पर निकालना है 65 का स्क्वायर, और वो बहुत ईजी काम है, बहुत दो मिनट में निकालोगे आप, 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको। देखो 5 का स्क्वायर 25 और 7 को 6 को अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 7 6 42, तो ये आ गया 4225। तो अगर नेक्स्ट स्टेप क्या है, हम इस नंबर को कंपेयर करेंगे 4096 से बड़ा है छोटा, बड़ा होगा तो 66 आंसर है, छोटा होगा हम 4096 को देखेंगे कि इस नंबर से बड़ा या छोटा, अगर ये छोटा है तो 64 आंसर है, अगर 4096 बड़ा है तो 66 आंसर है। तो यहाँ पर हमारा 4096 जो है छोटा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 64, तो 64 जो है हमारा यहाँ पर हो गया आंसर। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया अंडर रूट 8281। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, वही कि हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, लास्ट में दो डिजिट आनी चाहिए, आगे जितनी मर्जी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हमने दो में डिवाइड किया, हम देखेंगे 82 जो है हमारा कौन से स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो 82 हमारा लाई करता है 9 के स्क्वायर और 10 के स्क्वायर के बीच में, 9 का स्क्वायर हुआ 81 और 10 का स्क्वायर हुआ 100, तो आप देख सकते हैं 82 जो है इनके बीच में आ रहा है। अब इसमें से हमें कौन सा नंबर लेना होता है, जो छोटा वाला स्क्वायर है उसको लेना होता है 9 को, 81 को मत लेना, स्क्वायर जिसका होता है उसको लेना होता है 9 लेंगे। अब देखेंगे हम यहाँ पर जो पीछे जो दो नंबर है इसमें वंस प्लेस पे क्या है 1। ठीक है, तो अगर 1 होता है तो हमारे दो आंसर होते हैं, या तो जो इसका स्क्वायर उठाएगा उसकी वंस प्लेस पे 1 होगा या फिर 9 होगा। तो हम यहाँ से हमारे दो पॉसिबिलिटी आ जाती है कि या तो हमारा आंसर 91 है या फिर 99 है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर करना है, तो सीधा सा मैंने आपको मेथड बताया कि 95 जो इन दोनों के बीच में आएगा उसका स्क्वायर निकालो, और इसका स्क्वायर निकालना वो सेकंड्स का काम है। ठीक है, आप देखोगे सीधा आंसर लिखोगे, ये यहाँ पे मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ताकि आप समझ सको, बाकी आप माइंड में ही करोगे इसको, सीधा लिखोगे 5 5 25 और 10 9 90 9025। इस नंबर को कंपेयर करेंगे 8281 से, तो 8281 9025 से छोटा है, तो छोटा है तो आंसर भी छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है, 91 जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं इसका। तो चलिए दोस्तों इसका एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल लेते हैं, मैंने यहाँ पे लिया 13924। ठीक है, तो इसको वही दो पार्ट में डिवाइड करना, और इस तरह से करना है कि पीछे दो डिजिट रहे और आगे जितनी मर्जी डिजिट हो सकती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जो 139 है किस किन किन स्क्वायर के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो सीधा सा है, अगर आपको स्क्वायर याद है तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि ये 11 और 12 के बीच में लाई करता है। ठीक है, 139, 11 का स्क्वायर होता है 121 और इसका होता है 144, तो 139 के बीच में लाई करता है। हमें यहाँ पे स्मॉल वाला नंबर होता है उसको लेना होता है 11। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे इसकी यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट है 4। ठीक है, अगर हमारा 4 होता है तो हमारा जो स्क्वायर रूट आता है उसमें या तो वंस प्लेस पे 2 आता है या फिर 8, तो इसके दो आंसर पॉसिबल हो सकते हैं 112 और 118। अब ये पता करने के लिए हमें क्या करना है, सिंपली हमें इसके बाद क्या करना है, 115 का स्क्वायर निकालना है, और वो कोई मुश्किल काम नहीं है, आपको 5 का स्क्वायर लिखना है 25 और 11 को मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, और ये मैंने आपको हर तरह के मेथड सिखा रखे हैं कि आपको जल्दी से कैसे मल्टीप्लाई करना है, अगर किसी नंबर को 11 से जल्दी से मल्टीप्लाई करना होता है तो क्या करते हैं हम। ठीक है, तो ये आप पीछे मेरी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें देख सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 13225। देखो इसको कैसे करते हैं, जो जिससे हमें 11 को मल्टीप्लाई करना होता है उसको ऐसे लिख लेते हैं और बीच में इन दोनों को प्लस करके लिख देते हैं, अगर टू डिजिट नंबर होता है तो। अब यहाँ पे देखो 13225 और 13924, ये बड़ा है छोटा है, ये बड़ा है 13225 से, तो बड़ा है तो आंसर भी हमारा क्या हो गया, बड़ा वाला, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो दोस्तों ये बहुत ईजी मेथड है और ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा
यकीन मानिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अंडर स्क्वायर रूट निकालने वाला फॉर्मूला जो मेथड है ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आप इसको कन्वेंशनल मेथड से निकालोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। चाहे आप इन दोनों मेथड से इसको करके देख लीजिए, एक बार ट्रिक से एक बार कन्वेंशनल मेथड से, आप देखोगे कितना ज़्यादा अंतर है टाइम का। ठीक है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इससे के आने वाली अगली वीडियो में मैं इसका क्यूब रूट कवर करूंगा, और इसके साथ ही मैं क्यूब रूट से पहले कवर करूंगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर के हम कैसे निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट। ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के तो नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करूंगा, ये भी आप ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारी अगली वीडियोस की। चलिए दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, धन्यवाद।